हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्नोकासम यूट्यूब चैनल। लेना देना तो पुरानी वाली बात है, अभी हो गया सब कुछ डिजिटल, सब कुछ ऑनलाइन। तो मैं आज बताने वाला हूँ हमारे लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट एंड मस्त रहेगा। हो गया पेटीएम, गूगल की तेज, व्हाट्सएप पे, उसके अलावा भी बहुत सारा बैंकिंग एप्लीकेशन। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है जरूर। तो दोस्तों, पेमेंट के लिए तो हमारे पास हजारों रास्ता है, बट कमी तो पैसा का है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ गूगल की तेज, बहुत ही तेजी से चल रहा है। ये तो लुक लाइक व्हाट्सएप की जैसी है, बट चीज तो गूगल की है, बहुत ही अच्छा कमाल की कूल एप्लीकेशन है। जब भी हम इंस्टॉल करता है तभी हमारा जो कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, बाद में मेरा जो कॉन्टैक्ट में जो अकाउंट्स कनेक्ट किया है मेरा जो बैंक में, उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगा, यानी कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। आपको कुछ डाउट है यूपीआई के बारे में तो मेरा पुरानी वाले वीडियो आपको जरूर देख सकता है। और इसमें है ना, हमको हमारा जो अकाउंट में पैसा स्टोर करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऑफर दिया गया है, और आप आज तक तेज आप इंस्टॉल नहीं किया तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा उधर से इंस्टॉल करना है, और फर्स्ट पेमेंट की टाइम मेरा जो रेफरल कोड है वो डालना है, जब भी मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा 51 रुपीज के कैशबैक। इसी बहुत सारे ऑफर्स अभी दिया गया है, स्क्रैच कैश से एटसेट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा कमाल की एप्लीकेशन है, आपको यूज कर सकता है। पेमेंट जब भी हम पेमेंट करता है तभी हमको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं पेटीएम का है, तो पेटीएम एक बहुत ही अच्छा कमाल की एप्लीकेशन है, कमाल कर दिया है, जिसके थ्रू हम जिधर गए तो भी पे विद पेटीएम का ऑप्शन आता है, और उसके अलावा हमको रिचार्ज कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, और यूपीआई कर सकता है, बैंक ट्रांजेक्शन कर सकता है। इससे बहुत सारे ऑप्शन है, एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक कॉमर्स वेबसाइट है, एक कॉमर्स एप्लीकेशन है। हमको इसमें बहुत सारे कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, हम जब भी रिचार्ज करता है तो कैशबैक, शॉपिंग करता है तो कैशबैक, टिकट बुकिंग करता है तो कैशबैक। इसमें बहुत सारे ऑफर है और बहुत सारे ऑप्शन है, इसको हम तेज को या व्हाट्सएप पे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस जो चीज़ तेज में या व्हाट्सएप पे में नहीं है ये पेटीएम में है, ये कर लिया है। और तेज और व्हाट्सएप सिंपल की एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हमको यूपीआई के थ्रू सिंपली एप्लीकेशन सिंपली पेमेंट कर सकता है, बट इसमें पेटीएम में बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्तों, बात करते हैं व्हाट्सएप का, तो मुझे लगता है आने वाला दिन पे ये बहुत कुछ करने वाला है, ये एक नंबर वन भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही बड़ा चैटिंग एप्लीकेशन है, एक कम्युनिटी है, इसका कॉम्पिटिटर्स नहीं है, हर एक भी यूज करना ही पड़ता है, इसके बिना नहीं रह सकता है। तो इसमें पेमेंट ऑप्शन दिया गया है, मतलब हमको व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप पेमेंट कर सकता है। आपका व्हाट्सएप में पेमेंट की ऑप्शन नहीं है, नहीं कर सकता है, तो मेरा पुरानी वाला वीडियो आपको देख सकता है, उसमें मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर लिया है, वो आपको देख सकता है। और दोस्तों, बात करता है बैंकिंग एप्लीकेशन, ये तो एक बहुत ही अच्छा कमाल की ऑप्शन है, क्योंकि हर एक बैंक का भी एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूज करता हूँ ICICI का iMobile, तो मेरे लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पेटीएम है, तेज है, व्हाट्सएप है, कुछ भी हो ये अमाउंट जाता है मेरा जो बैंक से, तो इसमें फुली डिटेल्स रहेगा, इसमें पेमेंट का ऑप्शन है, रिचार्ज का ऑप्शन है, और अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कैशबैक ऑफर भी दे रहा है, तो हमको ये भी सिंपली यूज कर सकता है। तो दोस्तों, ये मैं चारों चीजों को कंपेयर कर लेता हूँ, तेज, व्हाट्सएप पे, पेटीएम और बैंकिंग एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम सोचना होगा हम किसके लिए पेमेंट पेटीएम पेमेंट करना चाहता है। हम सिंपली एक शॉपिंग यूज करता है, नॉर्मली ज्यादा शॉपिंग करता है, तो हमारे लिए पेटीएम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक शॉपिंग फ्रेंडली है, मतलब किधर गए तो भी हमको पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकता है, बहुत सारे कैशबैक है। कैशबैक की बात करता है तो हमको कुछ थोड़ा कुछ बेनिफिट मिलना है, तो हमको तेज भी यूज़ कर सकता है, और हम ज़्यादा हमको कैशबैक का इतना ज़रूरत नहीं है, तो हमको नॉर्मली यूज़ करना है तो व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकता है। व्हाट्सएप एक रूटीन हमारा रोज़ी हर एक भी यूज़ करता है, यूज़ करने लगेगा तो हमको व्हाट्सएप पे भी यूज़ कर सकता है। और उसके अलावा जो चीज़ है हमारा जो बैंकिंग एप्लीकेशन, वो सेफ़ रहेगा हमेशा, मतलब उसके मतलब तेज में कुछ गड़बड़ होने वाला है या पेटीएम में, वो भी सेफ़ रहेगा, बट ये हमको कुछ हुआ तो हमको फ्यूचर में कुछ जा सकता है सीधा हमारा बैंक पे, और पूछ सकता है ये क्या हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन, इसमें कैसे हो सकता है। और पेटीएम में भी हमको उतना सर्विस नहीं मिलेगा लगता है, मिलता है, बट जब भी हमको बैंकिंग है तो हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है जो पर्सन टू पर्सन।
तो हमको उसमें ज्यादा बेनिफिट है, हम बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन करता है तो हमको यूज कर सकते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन। और दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास हजारों एप्लीकेशन है, हजारों वेज है पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल हो गया फोन पे, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ऑक्सीजन, और हम एक शॉपर है हमारा जो लिंक थ्रू पेमेंट मिलना है तो हमको इंस्टा में जो भी यूज कर सकता है। वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा यूज नहीं करता है लोग, तो हमको एक हमारा जो दुकान बनाना है जो ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो हमारे लिए इंस्टा में जो भी बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद हुआ होगा। पसंद हुआ तो दबाना है एक लाइक, करना है शेयर, और कुछ डाउट है तो कर सकता है कमेंट पे। और आज तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबाना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो पर फिर मिलता हो। जय हिंद।